अगर आप एससी एसटी ओबीसी बहुजन या मूल निवासी भारत के पुराने रहने वाले यानी सबसे पुराने जनजाति, या अगर बुद्ध की भाषा में कहें कि आप समण हैं, समण मतलब जो यहीं की आवाज़ होती है, निज आवाज़ होती है, अगर भारत के आप ऐसे व्यक्ति हैं, ऐसे नागरिक हैं, ऐसे रहने वाले हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। अगर आप किसी भारत के समण समाज में या मूल निवासी समाज में या बहुजन समाज या जो बहुजन का जो भी जिस भी तरह के संगठन या नेता हैं, चाहे वो राजनीतिक हैं, चाहे वो सामाजिक हैं, धार्मिक हैं, या सरकारी कर्मचारियों के नेता हैं, या कोई दल बल सेना संगठन पैंथर पार्टी कुछ इस तरह का है, या कोई अन्य तरह का संगठन है, चाहे वो मजदूरों का है, चाहे किसानों का है, अगर वो भारत के बहुजन मूल निवासी लोगों का संगठन है और उसके नेता हैं और आप उसके मेंबर हैं और काम करते हैं, और मेंबर और काम करने के साथ साथ आपके अधिकार लगातार कम होते जा रहे हैं या जाते जा रहे हैं, या जो बाबा साहब अम्बेडकर लेके आए थे या जो ज्योतिबा फुले पढ़ाई का अधिकार लेके आए थे, ये सारी चीज़ें अगर आपकी जा रही हैं आपकी आंखों के सामने, तो आप यकीन मानिए ये वीडियो आपके लिए है और आपका जो संगठन है और आपका जो नेता है, अब उससे बहुत सारे प्रश्न पूछने का समय आपके पास आ गया है। दरअसल भारत में या पूरी दुनिया में जो समण समाज है, जो बहुजन समाज है, जो मूल निवासी समाज है, वो सबसे ज़्यादा स्ट्रगल करता है, सबसे ज़्यादा मीटिंग करता है, सबसे ज़्यादा वो विरोध करता है किसी एट्रोसिटी का या जो उसके साथ में घटनाएं घटती हैं, और हमेशा अपने अधिकारों के लिए फाइट करता है, जागरूक है, लगातार अपने पैसे खर्च करता है, समय खर्च करता है, इसके बावजूद भी उसके अधिकार बढ़ने की बजाय और लगातार घटते जा रहे हैं, घटते जा रहे हैं। अब स्थिति ऐसी आ गई है कि वो लगभग ख़त्म हो गए हैं, और जहां बाबा साहब ने उनको स्टार्ट किया था, आरंभ किया था अधिकार देने का, अब उससे भी नीचे आ चुके हैं, यानी जो बाबा साहब लेके आए थे वो सब जा चुका है। आपने कभी ध्यान दिया होगा या नहीं दिया होगा, दिया है तो अच्छी बात है, अगर नहीं दिया है तो मैं आपका ध्यान दिला देता हूं। भारत के जितने भी संगठन हैं, चाहे वो धार्मिक हैं, मूल निवासियों के, समण समाज के, बहुजनों के, चाहे वो राजनीतिक हैं, चाहे वो सरकारी कर्मचारियों के हैं, चाहे वो कोई सेना दल बल सैनिक पैंथर पार्टी या कोई ब्रिगेडियर कमांड कुछ इस तरह का है, ये जितने भी संगठन हैं, ये सारे संगठन दरअसल आपके अधिकारों को लगातार ख़त्म करने का काम कर रहे हैं, और इनकी मेहरबानी से, इनकी पूरी पूरी ताकत लगाने से हमारे ये अधिकार जो बाबा साहब लेके आए थे वो और तेज़ी से जा रहे हैं। सुनने में ये बात थोड़ी सी आपको झटके वाली अजीब लग सकती है, मगर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि बहुत सारे संगठन जब अलग अलग काम करते हैं और नेता जब उनके प्रमुख बन जाते हैं और वो आपसे पैसा लेते हैं, आपसे सहयोग लेते हैं, तो आपको आश्वासन देते हैं कि हम आपके अधिकारों को सुरक्षित रखेंगे और इसको बढ़ाएंगे, मगर सारा पैसा लेने के बावजूद भी, सारी जितनी शक्ति आप लगाते हो, जो भी आप मीटिंग में पार्टी में जाते हो या जो सपोर्ट करते हो, झंडा उठाते हो या डंडा उठाते हो, उसके बावजूद भी नेता अपने वादे पे खड़े नहीं उतरते, क्योंकि नेता जानते हैं कि वो पब्लिक के लिए यानी समर समाज के लिए काम नहीं कर रहे, वो अपने लिए कर रहे हैं। बाबा साहब ने कहा था कि संगठित रहो, नेता आपको बार बार कहेगा कि संगठित रहो, मगर वो खुद कभी नहीं कहता कि हमको अलग अलग संगठन नहीं बनाने चाहिए, हमको भी संगठित होना चाहिए, क्योंकि जब तक संगठित नहीं होंगे तब तक आप सरकार से या देश में अपना हिस्सा नहीं ले सकते, नहीं मिलेगा, क्योंकि अधिकार संगठित होने के बाद ही मिलते हैं। लोकतंत्र में या कोई भी तंत्र हो, उसमें जब तक प्रजा इकट्ठी नहीं होगी, मांगने वाले इकट्ठे नहीं होंगे या अपना अधिकार लेने वाले इकट्ठे नहीं होंगे या इकट्ठा या देने वाले नहीं बनेंगे, तब तक कुछ मिलने वाला है नहीं। तो जितने भी ये नेता हैं, ये दरअसल सारे सारे नाकाबिल नेता हैं, ये अपने जितने भी कार्यकर्ता हैं उनको कहते हैं कि हम क्रांति करेंगे, हम अधिकार लेके आएंगे, और हो इसका उल्टा रहा है। कार्यकर्ता कभी पूछता नहीं है उनसे कि ऐसा उल्टा क्यों हो रहा है, कार्यकर्ता को पूछना चाहिए कि हमारे अधिकार क्यों जा रहे हैं, कार्यकर्ता को पूछना चाहिए कि आप सब का जब विचार एक है, सब बाबा साहब के संगठन हैं, सभी धार्मिक संगठन हैं, सभी राजनीतिक संगठन हैं, सभी सरकारी कर्मचारियों के संगठन हैं, सभी समण समाज के, बहुजन समाज के या मूल निवासियों के संगठन हैं, तो अलग अलग क्यों हैं, अलग अलग काम करके हमें क्या हासिल होगा और क्या हासिल हुआ है और क्या हासिल होने की कोई
आपको रणनीति है, जरा हमें बताइए, जरा समझाइए कि कोई आदमी कैसे टुकड़ों में बटके अलग अलग रह के कोई चीज को हासिल कर सकता है, कोई चीज हमें मिल सकती है या हमारी बच सकती है। आप युवा हैं, आप जानकार हैं, आपको ये पता होना चाहिए, क्योंकि ये जो नेता हैं ये तो बूढ़े हो चुके हैं, इनका समय कट चुका है, ये अपनी पोजिशन का एंजॉय कर रहे हैं, अपनी पोजिशन का मजा ले रहे हैं, जो इनको बीच की कुर्सी मिलती है, प्रधानी मिलती है, सचिव मिलती है, इनको मान सम्मान मिलता है, ये उसका पूरा आनंद लेते हैं। जब इनके आनंद में कोई खलल पड़ता है या इनको लगता है कि इनका आनंद जाने वाला है, तो ये उस संगठन के टुकड़े कर देते हैं और फिर दो टुकड़ों में बट के दो प्रधान हो जाते हैं, फिर वो चार टुकड़ों में बट के चार प्रधान, चार सचिव, चार सेक्रेटरी, चार संगठन, चार जगह पैसा इकट्ठा होता है। ये प्रक्रिया चल रही है, क्योंकि नेता आपके भले के लिए नहीं सोच रहा है, नेता अपने भले के लिए सोच रहा है, अपने काम के लिए सोच रहा है, उसको अपनी पोजिशन से प्यार है। आप जवान हैं, आपके सारे अधिकार जा चुके हैं, अब आपके पास में कुछ नहीं है, और नेता इस बात को कभी नहीं बताता, वरन वो आपस में एक संधि भी रखते हैं, वो दूसरे नेता की बुराई करते हैं, उसके पास नहीं जाना, वो नेता अच्छा नहीं है। ये बातें लगातार 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 चलती रहती हैं। अगर आप इनका चिंतन करेंगे तो पाएंगे कि दो के चार, चार के आठ और आठ के सोलह, सोलह के बत्तीस जो संगठन होते जा रहे हैं, दरअसल ये अपने लिए होते जा रहे हैं, समाज के लिए नहीं होते जा रहे हैं, क्योंकि समाज का बहुत ज़्यादा संगठनों से कोई हल नहीं होने वाला है। इसलिए जो वी द पीपल करके लोग इकट्ठे हो रहे हैं, उसमें उसी तरह के लोग इकट्ठे हो रहे हैं जो ये बात समझ गए हैं कि ये नेता निकम्मे हैं, नाकारा है, इनसे कुछ नहीं होने वाला है, ये सिवाय मोटे मोटे भाषण या चिकनी चुपनी बातें करने के अलावा या इमोशनल ब्लैकमेल करने के अलावा ये कुछ नहीं करते हैं, इनके बस की कुछ है भी नहीं। इनको इतनी सी भी जानकारी नहीं है कि जब तक सारे इकट्ठे नहीं होंगे तब तक वो कोई ऑब्जेक्टिव है या कोई उद्देश्य है उसको प्राप्त नहीं कर सकते, या बाबा साहब का जो अधिकार है उसको वापस लेके नहीं आ सकते या बढ़ा सकते हैं। जब इनको इतना ही पता नहीं है कि बिना इकट्ठे हुए कुछ नहीं मिलेगा और ये इकट्ठे होते नहीं हैं, तो ये निकम्मे और नालायक हैं, ये कुछ नहीं जानते हैं। मगर अगर आपको अपना भविष्य बचाना है, आपको बाबा साहब का संविधान, बाबा साहब के दिए हुए अधिकार बचाने हैं, तो आप सब ऐसे लोगों को ढूंढिए, ऐसे कार्यकर्ताओं को ढूंढिए जिनको समझ है और जो इन नेताओं के चंगुल में फंसे हुए हैं। वी द पीपल में मैं यहाँ आपको टेलीफोन नंबर देता रहूँगा ऐसे लोगों के, जो लोग ये काम कर रहे हैं ताकि वो इकट्ठे हो जाएं। इन नेताओं को बार बार कह रहे हैं कि भाई आप इकट्ठे हो जाएं। नेता अगर इकट्ठे नहीं होते हैं तो उनके कार्यकर्ता इकट्ठे हो जाएं। कार्यकर्ता अगर इकट्ठे हो जाएंगे तो नेता अपने आप ही इकट्ठे हो जाएंगे। जब तक कार्यकर्ता इकट्ठे नहीं होंगे, नेता को कोई जरूरत नहीं पड़ी है कि वो इकट्ठा हो। उनके ईगो और उनका काम बहुत बड़े चल रहा है। वो पहले एक फटा पजामा पहनते हैं, फिर एक पैंट पहनते हैं, फिर वो कोर्ट में आ जाते हैं, पैंट में आ जाते हैं, पहले वो बसों में चलते हैं, रिक्शे में चलते हैं, साइकिल पर चलते हैं, फिर वो कार में आ जाते हैं, फिर बड़ी बड़ी कारों में आ जाते हैं, हवाई जहाज में उड़ते हैं, उनके खर्चे बहुत बढ़िया होते हैं, विदेशों में घूमते हैं, उनका काम फिट है। उन्हें कोई लेना देना नहीं है कि बाबा साहब के दिए हुए संविधान या बाबा साहब के दिए हुए जितने अधिकार हैं वो जा चुके हैं, उन्हें इसकी कोई चिंता नहीं है, कोई परवाह नहीं है। अगर उन्हें इसकी 1% भी चिंता होती या समझ होती तो वो बहुत पहले इकट्ठे हो चुके होते, क्योंकि जब बाबा साहब एक हैं, ज्योतिबा फुले एक हैं और सारे महापुरुष एक हैं, जब उद्देश्य एक है, संविधान एक है, संगठन एक है और सब बाबा साहब की बात करते हैं, तो अलग अलग संगठन बनाने को दुनिया की कोई भी ताकत जस्टिफाई नहीं कर सकती है, कोई भी नहीं कह सकता है। यहाँ तक कि उनके कार्यकर्ता भी अगर इस बात को सोचते हैं कि अलग संगठन बना के कुछ फ़ायदा हो सकता है, तो अगर वो कार्यकर्ता इस बात को कहता है कि अलग संगठन बना के फ़ायदा हो सकता है, तो वो कार्यकर्ता नहीं, भक्त हो चुका है, गुलाम हो चुका है। क्योंकि जो सही जागरूक कार्यकर्ता है वो जानता है कि जब तक सब इकट्ठे नहीं होंगे, बहुजन समाज, मूल निवासी समाज या समण समाज, तब तक नहीं होगा। आपको अगर ऐसी उम्मीद है कि आपको अभी भी कुछ हो सकता है, काम कर सकते हैं, ऐसे कार्यकर्ता आप हैं, तो ये जो फ़ोन नंबर मैं आपको यहाँ दे रहा हूँ, इन पर फ़ोन करके आप बात करें। आपके जैसे बहुत सारे लोग इकट्ठे हुए निकलने प्रयास कर रहे हैं। धन्यवाद।